हेलो क्या प्यार है डायरेक्टर का क्या किस किराए का चलो खिला दो अच्छे खिला दो ले लो ले लो भैया और हम आज यहाँ मौजूद हैं एक ख़ास मौके पे, हमारी मतलब एक नहीं दो ख़ास मौके पे, हमारी फ़िल्म का मुहूर्त है बंधन टूटे ना टू का, और आज हमारी जो हीरोइन है फिल्म की तानिया सिंह, उनका जन्मदिन भी है। और जैसा कि आपका अगला सवाल होगा कि फ़िल्म क्या है, कहानी क्या है, तो मैं सामने से ही क्लियर कर देता हूँ। फिल्म जो है वो फर्स्ट फिल्म आई थी 2005 में, बंधन टूटे ना पार्ट वन, जिसमें मनोज तिवारी जी हीरो थे, और फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर हिट थी, और उसको डायरेक्ट किया था मेरे पापा असलम शेख जी ने, और ये फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी। हाल कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी ये फिल्म जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और उनका अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा उनकी रुचि रही फैमिली फिल्म बनाने की, तो और मेरे भी वही, मैं उन्होंने उनसे ही काम सिखाऊँ, तो मेरी भी रुचि है कि हम फैमिली एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म बनाएं। तो हम लोग वही लाइन पे चल के एक अच्छी फैमिली फिल्म बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप और हम एक साथ बैठ के परिवार के साथ देख सकें, हमको कोई ऐसी अश्लीलता महसूस नहीं हो कि नहीं यार ये हम भाई के साथ देख पाएंगे या हम बहन के साथ देख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, पूरा परिवार एक साथ गारंटी के साथ बैठ के देख सकता है हमारी फिल्म। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है सर, जैसा टाइटल आपने देखा बंधन टूटे ना, तो परिवार का जो बंधन होता है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, अगर वो टूटा तो परिवार कितना भी तगड़ा होगा वो बिखरना ही बिखरना उसका तय है। फिल्म का कहानी यही है, और इसमें बहुत बड़ा इमोशन है बच्चे का, एक 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 लड़का है जो बहुत ही मतलब गांव में मतलब अल्हड़पन ये वो मस्ती मजाक, और कैसे उसकी लाइफ अचानक से सीरियस होती है, और उसके लाइफ में ऐसा जब मोड़ आता है कि उसको लगता है ऑडियंस को कि शायद ये कूदने कादने वाला लड़का अब इसको नहीं डील कर पाएगा इससे, लेकिन अगर समझदारी है अगर इंसान के अंदर, तो वो बचपन में कैसा भी अल्हड़ रहा हो या कितना भी निकम्मा रहा हो या कुछ भी हो, अगर मौके पे वो अपनी फैमिली के परिवार के साथ खड़ा हो गया तो उसका परिवार संभलना ही संभलना है, और यही वो फिल्म को पूरा लेके जाता है। सर फर्स्ट पार्ट के स्टार कास्ट को सर 2005 की फिल्म थी सर, और अभी अगर आपको पता होगा मनोज जी पॉलिटिक्स में इतना बिजी हैं, तो जाहिर सी बात है जब पार्ट टू करना होगा और फिल्म वहाँ से कंटिन्यू होती है, तो मनोज जी का जो बेटे हैं वो बड़े हो चुके हैं और वो अपनी फैमिली संभाल रहे हैं, तो वो कहानी को सेकंड हाफ में लेके ही जाना था, तो फर्स्ट हाफ से इसका कोई ऐसा सिर्फ यही कनेक्शन था जो मनोज जी का जो बेटा था जो वो अब बड़ा हो चुका है। बनारस से क्यों आप आज ओपनिंग कर रहे हैं? सर बनारस हमारा मतलब फेवरेट स्पॉट रहा है हमेशा से, अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ शूट करके गए हैं, आम्रपाली जी के साथ हमने फिल्म की थी पूर्वा, और उसमें काफ़ी
टीम थी यहाँ की, और बनारस में सबका अभी सेंटर ही हो गया बनारस, मतलब बॉम्बे के बाद अगर किसी कोई नाम ले तो बनारस का ही नाम ले शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी सरकार लगातार एक सेकंड फिल्म सिटी भी बनारस में बनाने जा रही है बड़ा, हाँ, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, हाँ, क्या जगह आप तलाशते हैं, कितना सुविधा आप लोगों को मिलेगा? सर देखिए सुविधा पे ही डिपेंड करता है, अगर हम अगर कभी नहीं आ पाते हैं यूपी किसी कारणवश शूटिंग करने के लिए, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि ऑडियंस जो है वो शूटिंग करते हुए इतनी परेशान करती है, पब्लिक क्राउड इतना परेशान करता है कि हम काम नहीं कर पाते। अगर सुविधा अगर थोड़ी सी बेटर हो जाए तो मैं ये एक बात कह सकता हूँ एज अ मेकर कि कोई बॉम्बे में शूट नहीं करेगा, क्योंकि बॉम्बे में अगर शूट करना होता है एक फिल्म हम जो यूपी बिहार हमको दर्शाना होता है, तो ना वो हमको ट्रैक्टर मिलेगा, ना बैलगाड़ी मिलेगी, ना हाथ गाड़ी मिलेगी, ना जानवर मिलेंगे, ना यहाँ का एटमॉस्फेयर मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगा, हमको सब क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएट की हुई चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती, ऑथेंटिक चीज़ हमेशा पसंद आती है। तो हर कोई मेकर यही चाहता है कि वो अपनी फिल्म को जाके या तो ओरिजिनल लोकेशन पर शूट करे, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, तो हमारा भी टारगेट यही है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बनारस में हम शूट करें। क्या लगता है आपको कि भोजपुरी में जो इतनी बलगर्टी बढ़ी, आप बंधन टूटे ना अपने फिल्म का नाम दिया, तो इससे भोजपुरी को कितना जोड़ सकते हैं आप, और क्या लगता है कि इससे आप बलगटी को दूर कर सकते हैं? सर देखिए हमने हमेशा, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 2005 से जब इंडस्ट्री में कदम रखा हूँ, पापा के साथ मैंने जो भी फिल्में करी, चाहे वो परिवार हो, विदाई हो, औलाद हो, जितनी फिल्में हो सब फैमिली एंटरटेनमेंट ही बनाई। और जब मैंने अपनी फिल्म में करियर में फिल्म इंडिपेंडेंट शुरू की, होगी प्यार की जीत बनाई फैमिली एंटरटेनर, उसके बाद सैया थानेदार मेरी रिलीज़ पे है, रामकृष्ण भजन की रिलीज़ पे, जो भी फिल्में मेरी बनाई है, हाल फिलहाल में हमने पूर्वा की शूटिंग कंप्लीट की, जो भी फिल्में की सब फैमिली को टारगेट किया, हमने कभी अश्लीलता को टारगेट ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सामने वाला अपने परिवार के साथ देखेगा, हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि परिवार आए और अपनी हमारी फिल्म देखे, नहीं आएगा वो हमारे पास। एक अंतिम सवाल ये है कि यूपी में जिस तरीके से फिल्म सिटी, हमारा सवाल वो पहले की तरह है जी, तो क्या एक भोजपुरी फिल्म सिटी अलग से बननी चाहिए या और सुविधाएं आपको चाहिए? बिल्कुल सर, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एसोसिएशन दोनों अलग से बनना चाहिए। हम इम्पा और इफ्टडा में हम जुड़े हुए हैं, और हमने ये बात प्रस्ताव बहुत बार हमने सामने रखा है कि भोजपुरी का अपना एक एसोसिएशन होना चाहिए, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल होना चाहिए, और अपना ही एक फिल्म सिटी होना चाहिए, अपना ही एक स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्री जो वहाँ पे पहले सेटल थी हम उसमें घुस के काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ का एक होना चाहिए कि हम, चाहे वो बिहार में बने चाहे यूपी में बने, लेकिन जिसको हम अपना कह सकें कि भाई ये हमारी इंडस्ट्री है, वो भी अपनी इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी अपने लोग काम करें, लेकिन जैसा मराठी ने अपना एक सेक्शन बनाया कि वो पर्टिकुलर कुछ लोकेशन है उनको, वहाँ पर उनको सब्सिडी भी मिल रही है, उनके कुछ थिएटर है जहाँ पे उनको कंपलसरी फिल्म लगाना है मराठी, हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में भी ऐसे थिएटर होना चाहिए कि भाई आप ये कंपलसरी आपको भोजपुरी फिल्म तो चलानी ही चलानी पड़ेगी, अगर आप 4 शो हिंदी का चला रहे हैं तो जिसमें से 2 शो आप उनका चलाएंगे, 2 शो हमारा चलाएंगे, इसकी पहल हम सबको मिलकर करनी चाहिए और पत्रकार को इसमें सबसे आगे आना चाहिए। इस फिल्म में मैं एज ए लीड काम कर रही हूँ जी, मैं प्रमोद जी के अपोजिट काम कर रही हूँ। इस फिल्म में मैं इनकी वाइफ, इनके घर एक संस्कारी बहू बन के जाती हूँ, और मेरा एक बेटा है जो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आप लोगों को, और उसी को लेके ये फिल्म आगे बढ़ती है, और बाद में क्या क्या प्रॉब्लम झेलना होगा और बहुत सिचुएशन इसमें हैं बहुत ज़्यादा, जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद बहुत अच्छा लगेगा। इस फिल्म की स्टोरी नो डाउट बहुत अच्छी है, मैंने जब पहली बार सुना था मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। और जी भोजपुरी में तो अभी फिलहाल में तो दूसरी मूवी मेरी ये है, फर्स्ट मूवी मैंने अयाज जी के साथ ही किया था और सेकंड इनके साथ है प्रमोद जी के क्या साथ। सोच के इस मूवी में आप आई? एक सवाल ये उठता है कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एक आप हीरोइन है जी, इंडस्ट्रीज के लिए यूपी और बिहार कितना हेल्पफुल आप लोगों के लिए होता है? जी हम लोगों के लिए तो यूपी और बिहार बहुत अच्छा है, हम लोग यहीं से काम करना चाहते हैं, और मोस्टली मैं तो यूपी से यहीं बनारस से रहने वाली हूँ, और मेरे लिए तो यूपी हो चाहे बिहार हो सब जगह मेरे लिए अच्छा है, और मुझे यूपी बिहार के अलावा और कहीं जल्दी काम भी करना नहीं अच्छा लगता। अगर एक अलग से प्लेस इस यूपी में आपको मिले जी तो कितना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा? सभी के लिए लाभदायक होगा, भोजपुरी जगत को एक अलग पहचान मिल चुकी है, और अलग प्लेस मिल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भोजपुरी को और आगे तक मुकाम मिलेगा, खासकर यूपी और बिहार के लड़कियों जी, और यूपी बिहार की लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा आगे काम करने के लिए सब कुछ मिला। हाँ जी हम भोजपुरी पिक्चर में आप सबसे पहले सब दर्शक भाई लोग, हम प्रमोद प्रेमी यादव सबके प्रणाम करते नहीं, और आज हमार फिल्म मुहूर्त बनारस में बा, और एगो हम फिल्म के शूट करता नहीं प्रेम रंग, वो फिल्म के शूटिंग छोड़ के अपन बंधन टूटे ना टू के
जो हमनी के तानिया जी शुरुआती दौर एल्बम जौन घड़ी हम करत रही जा वही गायक बहुत लोग कम रहे वही समनी के काम कैले बनी जा और इनके साथ हम फिल्म करते नहीं बहुत अच्छा लगा था कि हमनी के एल्बम के उस टाइम जोड़ी भी हिट रहे और फिल्म में भी इनके साथ हम अपोजिट लीड एक्टर हीरो के काम करते हैं तो अच्छा लगे हमें। वेब सीरीज और इस पिक्चर में बहुत भिन्नता क्या दिखती है आप? देखिए हमने के भोजपुरी मातृभाषा साफ सुथरा आदमी प्रयास करता कि फिल्म बनाओ और जो स्टोरी बा फिल्म का डायरेक्टर बंटी शेख जी जो बहुत अच्छे जानकार डायरेक्टर हैं और उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला बहुत मैं खुशी हूँ और चाहेंगे कि हम लोग मिलकर पूरे टीम इस फिल्म को एक पारिवारिक फिल्म साफ सुथरी फिल्म हम लोग बनाए। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जो है अयाज खान है और हमारे दर्शक जो है मुझे अच्छी तरह जानते हैं पहचानते हैं और इस फिल्म में मेरा नेगेटिव करेक्टर है और बंटी जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रमोद प्रेमी जी जो इस फिल्म के हीरो हैं मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप भी आइए कैमरे के सामने और तानिया जी जो है हीरोइन है और बंधन टूटे ना आप लोगों को टाइटल से ही लग रहा होगा कि एक ही पारिवारिक मूवी है एक ऐसी फिल्म जिसमें जो है बंधन साथ प्यार और सारी चीज़ों का समावेश है बहुत ही प्यारी और अच्छी फिल्म बन रही है और फिल्म के डायरेक्टर बंटी जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं इनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की नो डाउट बहुत अच्छा काम करते हैं बिल्कुल जी जान से और फिलहाल अभी तानिया जी के साथ मैंने एक काम फिल्म किया कमाल का ये एक्ट्रेस है ये और प्रमोद जी का तो कहना ही नहीं है अभी छाए हुए हैं गाने में भी छाए हुए हैं फिल्म में भी छा रहे हैं मेरी आशीर्वाद मेरी दुआएं के साथ हमेशा है कि ऐसी और चापे रहें चढ़ते रहें ऊपर नाम करते रहें।